ठीक है, तो एक सर्कुलर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है 100, कैपिटल एम इज इक्वल टू 100। उसके बाद वो बोल रहे हैं ऑफ रेडियस नियरली 20 सेंटीमीटर ईच, मतलब जितने भी टर्न्स हैं हर एक टर्न का रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो रेडियस को स्मॉल आर बोले, रेडियस को बोलेंगे स्मॉल ए, रेडियस को बोलेंगे स्मॉल ए, तो ये स्मॉल ए कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से तो बात बनेगी नहीं, उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट मीटर होती है। तो 20 अपॉन 100 करा और ये आ गया मीटर, तो 2 अपॉन 20 अपॉन 100, तो 2 अपॉन 10 यानी कि ये हो गया 0.2 मीटर, तो ये हो गया 0.2 मीटर। उसके बाद लाइज इन द एक्स वाई प्लेन, लाइज इन द एक्स वाई प्लेन। अब एक चीज़ समझिएगा, एक्स वाई प्लेन में वो लाई करता है, तो हमने काम करा कि इस तरीके से एक प्लेन बना लेते हैं, जैसे इसको बंद कर देते हैं, पास कर देते हैं, बस बस ना, एक प्लेन ऐसे बना लिया। मतलब क्या है कि ये रेक्टेंगुलर प्लेन है, रेक्टेंगुलर प्लेन ऐसे इस तरह से ना रखकर हमने उसको ना ऐसे रख दिया, तो इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा मैंने दिखाया। तो रेक्टेंगुलर प्लेन को हमने इस तरीके से दिखाया है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने बोल दिया ओरिजिन, इसको मैंने ओ बोल दिया ओरिजिन, ठीक है। और ये जो आगे की तरफ आ रहा है ना, ये जो आगे की तरफ है इसको हमने बोल दिया, मान लीजिए इसको हमने एक्स एक्सिस बोल दिया। अब एक्स वाई और जेड कहीं पर भी ले सकते हैं, आप कहेंगे नहीं एक्स को मैं यहाँ पर देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने एक्स इस बार यहाँ ले लिया आगे की तरफ, और ये वाली जो एक्सेस है ये आपने ऊपर की तरफ, ये वाली एक्सेस आपने दे दी वाई, तो आपने देखिए एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की हेल्प से ये प्लेन बन रहा है। भाई आपने एक लाइन कैसे बनाई, आपने ये एक लाइन कैसे बनाई, ये बनाई आपने एक्स एक्सेस के पैरेलल, ये वाली लाइन कैसे बनाई, ये बनाई आपने वाई एक्सेस के पैरेलल, तो ये क्या बन गया, ये एक्स वाई प्लेन बन गया। तो वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है इन्होंने बोला अ सर्कुलर कॉइल हैविंग 100 टर्न्स ऑफ 100 टर्न्स ऑफ वायर ऑफ रेडियस नियरली 20 सेंटीमीटर ईच लाइज इन द एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में एक सर्कुलर कॉइल पड़ी हुई है, एक है, इसके पीछे दूसरी सर्कुलर कॉइल भी है, इसके पीछे तीसरी सर्कुलर, मतलब बहुत सारी सर्कुलर कॉइल है, कितनी है 100 टर्न्स है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे हैं 100 दे रखे हैं, तो एक के पीछे एक बहुत सारी बनी हुई, तो मैंने बनाने के लिए बस एक आपको सर्कुलर कॉइल यहाँ पर दिखा दी। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि सर्कुलर एक्स वाई, हाँ जी बोलिए सर, अगर ये 100 कॉइल्स है तो ये फिर एक ही प्लेन में कैसे आते हैं? 100 कॉइल्स जो हैं वो अगर एक ही प्लेन में हैं वो इस तरीके से आएंगी कि हमने ये कहा कि ये जो प्लेन है ना, इस प्लेन को मैं इस तरीके से करूँगा कि ये हमारे पास जैसे प्लेन है ना, तो हमने ये कहा कि आपको ना इस प्लेन में ही रहना है, इस प्लेन में ही रहना है, तो मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसी एक शीट ऑफ पेपर पर रहे, उस प्लेन का मतलब ये है कि आपने ये मान लिया कि ये इस तरीके से तीन प्लेन्स हैं, तीन पैरेलल शीट्स हैं हमारे पास, तो इन तीन पैरेलल शीट्स में वो जो वायर है जिनके 100 टर्न्स हैं, वो वायर ना इस तरीके से, इस तरीके से, तो अब मैं सेंटर कहाँ पर ले लूँ, तो हमने ये कहा कि भाई इस तरीके से ऐसे फैल रहा है पूरा का पूरा प्लेन, प्लेन तो देखो बिल्कुल सही सवाल है उसका, ये एक प्लेन पर एक ही टर्न आ सकता है, उस पर 100 टर्न्स कैसे आ सकते हैं, तो प्लेन से बाहर निकल जाएगा। तो हमने क्या करा कि ये जो पूरा का पूरा है इसमें हमने माना कि 50 टर्न इससे पहले और 50 टर्न इससे बाहर है, मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया कि 50 टर्न इससे पहले 50 टर्न
से बाहर है, तो यहाँ पर हमने सेंटर बांध दिया, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स इस तरीके से देखिए, प्लेन में तो एक ही कॉइल रहेगी, वो तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, एक ही टर्न रहेगा। लेकिन जब 100 टर्न्स है तो मैंने माना 50 इधर है, 50 इस तरफ, ये मान लिया, उसको एक कॉमन फिगर मानते हुए, एक सिंगल फिगर मानते हुए, मेरी बात समझ में आ गई? यस सर, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे की कहानी क्या है कि ये बोल रहे हैं सर, यहां पे ये भी तो दे रखा है कि जो सबकी ओरिजिन है, जो सबका सेंटर है वो ओरिजिन पे लाइन करता है, सबका सेंटर ओरिजिन पर, देखिए ये बोल रहे हैं सर्कल पे लाइज इन द एक्सप्लेन प्लेन विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, मतलब वो जो पूरी की पूरी जो कॉइल है ना, मतलब वो जो पूरी की पूरी गड्डी है, वो पूरा का पूरा जो है वो यहीं पर लाई कर रहा है, आपका ओरिजिन पर ही लाई कर रहा है, सारा का सारा, सबका सेंटर ओरिजिन पर लाई कर रहा है, मतलब उसकी जो है क्या बोलेंगे उसको, कि जो आपको है ना सेंटर ऑफ मास जो है उसका, वो सेंटर ऑफ मास सारा का सारा ओरिजिन पर लाई कर रहा है, समझ गए? तो इस तरीके से आपको, हाँ इस तरीके से आपको लेना है, तो जैसे मेरे पास ये वाला एक्स वाई प्लेन हो गया, अब ये हमसे ना एक चीज और बोल रहे हैं यहाँ पर, ये कह रहे हैं फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट 0, 0, 20 √3, मतलब आपको 0, 0, 20 √3, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको ना यहाँ से इसके सेंटर से, सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है, इसलिए मेरे को ये यहीं पर बना लेना चाहिए था, ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे फिर और ऐसे फिर और इस तरीके से, ये हमको इस तरीके से बनाना चाहिए था। तो सेंटर इसका यहाँ पर, और यहाँ से कितनी दूर जाना है, यहाँ से जाना है आपको 20√3 मीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है 0, 0, 20√3, यानी कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू दी है 20√3। इसका मतलब क्या है कि आपको एक्स वाई प्लेन में ही रहना है, और यहाँ से 20√3 डिस्टेंस, यानी कि एट द एक्शियल पॉइंट, ठीक है। तो सर्कुलर लूप के एक्शियल पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो एक्शियल पॉइंट वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, जो हमने कल डिराइव करा था वो वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से और यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस होता है बेटा, इस डिस्टेंस को ही तो हम आर बोल देते हैं, तो आर कितना है 20√3 मीटर, मीटर ही दे रखा है ना, सेंटीमीटर में नहीं, सेंटीमीटर में दे रखा है, सॉरी ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे आर इज इक्वल टू 20√3/100 मीटर, 0 से 0 कट गया, 2 5 10, आर इज इक्वल टू 3/5 मीटर, ये आर की वैल्यू है। ऐसे इसको जो है, ये जो ए है ना, इसको भी आप 1/5 ही बोल देते, 1/5 मीटर, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं दिस कॉइल कैरीज अ करंट ऑफ 2/π एम्पीयर, तो इसमें करंट कितना होगा 2/π एम्पीयर, तो देखिएगा भाई फॉर्मूला लगा के यहाँ पर बी इज इक्वल टू, यहाँ लिखिएगा कि हियर वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल
टू 10^-7 तो म्यू नॉट इज इक्वल टू 4π × 10^-7 तो म्यू नॉट की जगह वैल्यू डाल दीजिए 4π × 10^-7 कैपिटल एन इज 100 कैपिटल आई इज टू अपॉन पाई एंड ए स्क्वायर इज 1/5 + 2 upon 2 × r². r² is √3/5 + 2 plus a² is 1/5 + 2 और पावर 3/2 इधर पाई से पाई काट दीजिए ऊपर 4 बचा 2 बन जाए 2 हो गए इधर 2 बचा 2 × 2 इज 4 × 10^-7 और अभी इसको 100 ही रहने दीजिए ठीक है इस 2 को मैंने इस 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बना दिया हाँ जी 1/5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/25 अब इसको एक्सपेंड करिए 3 का स्क्वायर इज 3 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 और 5 का स्क्वायर इज 25 इसकी होल पावर 3/25 × 25 होल स्क्वायर ये इज इक्वल टू 4 × 4 = 16 मल्टीप्लाई बाय 10^-7 और 10^-7 ही 16 × 10^-7 अब अपॉन में देखने के लिए तो ये क्या हो गया 4/25 ये होल पावर ये तो 3/2 है इस 3/2 को मैं लिखूंगा 1/2 और फिर इसकी होल पावर 3 लिखा जा सकता है सर क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है 1/2 क्यों लिखूँ क्योंकि मेरे को दोनों परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहा है पावर 1/2 का मतलब क्या है कि ये स्क्वायर रूट है इसका तो क्या करेंगे 16 × 10^-7 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट 2 25 का स्क्वायर रूट 5 और इसकी पावर 3 ये हो गया इस तरफ कर लें हाँ जी आगे चलते हैं 16 × 10^-7 b इज इक्वल टू 16 × 10^-7 अपॉन 2 का क्यूब इज 8 और 5 का क्यूब इज 5 × 5 = 25 × 5 = 125 तो होता क्या है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है तो b इज इक्वल टू 125 × 16 × 10^-7 और अपॉन में 8 × 8 = 8 × 2 = 8 तो b इज इक्वल टू 125 × 2 = 250 × 10^-7 अब इसको क्या लिखो 25 × 10 × 10^-7 वैसे तो इतना भी हो गया इतना भी रिजल्ट आपका टेस्ला में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड इज इन टेस्ला और 25 मल्टीप्लाइड बाय 10^-1 और 1 − 7 = −6 तो 25 × 10^-6 टेस्ला ये हो गया 25 µT µ for micro micro 10^-6 जहाँ भी आएगा वो micro तो 25 µT ये इसका आंसर है देख लीजिए सभी बच्चे बताइए भाई क्लियर है सभी को यस सर ठीक है यस सर चलिए जी फिर आगे चलते हैं हम अगला जो क्वेश्चन सभी को क्लियर है कोई चीज बतानी है दोबारा बताइए क्लियर है सर क्वेश्चन क्या है अरे क्वेश्चन ये दे दो रखते हैं नोट्स में है तुझे कोई क्वेश्चन लिखा नहीं और क्या कि वो फिर भी बता दी कैसी हाँ एक वो बता दी कैसी भाई एक कॉइल है जिसमें n टर्न्स हैं 100 टर्न्स हैं तो वो x y प्लेन में लाइक कर रहा है मैंने x एक्सिस उसको बना लिया y एक्सिस उसको बना लिया तो इसमें हमको क्या करना है यहाँ से 0, 0, 20 √3 0, 0, 20 √3 सेंटीमीटर कितनी डिस्टेंस पर हमको क्या करना है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं आर बोलते हैं तो एक्स वाई प्लेन में गोला ही कर रहा है तो एक्स और वाई में तो कोई इश्यू दे ही रखा है तो जेड एक्सिस पर दे रखी है ये जेड एक्सिस पर ये वैल्यू है
और इसका सेंटर भी इन्होंने बता दिया कि ओरिजिन पर लाई कर रहा है कॉइल का सेंटर ओरिजिन, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो गया क्योंकि ये जेड एक्सिस है, ये हो गया 20√3। मेरे लिए आर की वैल्यू हो गई 20√3 सेंटीमीटर, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। उसके अलावा उन्होंने बोला कि जो कॉइल है इस कॉइल का रेडियस दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो उसको हमने ए बोल दिया, रेडियस को हम ए बोलते हैं, ए बोल दिया। नंबर ऑफ टर्न आई दे रखा था 2/π एम्पीयर, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू डालिए और कैलकुलेट कर दो, मैग्नेटिक फील्ड आता है। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं टू कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स L1 एंड L2 ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड एज शोन, आर प्लेस्ड एज शोन, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द लूप L2 सो दैट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O बी जीरो, एट द पॉइंट O बी जीरो। मैं ये बिटा रहा हूँ यहाँ पर, ये डायग्राम पर आपको जो दे रखा है, तो यहाँ पर देखिएगा कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स L1 एंड L2, तो दो कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स हमको दे रखे हैं, तो ये ऐसे दे रखा है, तो एक लूप तो इस तरीके से है, ये इसका सेंटर है, ये हो गया। चलिए सेंटर 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 सा लग नहीं रहा है, चलिए कोई, और अब ये वाला जो लूप है इसका रेडियस इन्होंने दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और ये वाला लूप है इसका रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर। इसको लूप L1 बोल दिया, L1 और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ऐसे इस तरीके से, ये करंट कितना I1 is equal to 1 एम्पीयर ये दे रखा है। ये जो दूसरा लूप है ये है L2, इस लाइन को डॉटेड दिखा देते हैं, मतलब ये पीछे से आ रही है इसमें लूप में, और ये बीच में एक पॉइंट है O, तो ये कितना है यहाँ इसके सेंटर से और यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है दैट इज 4 सेंटीमीटर, और इस वाले लूप के सेंटर से जो ये डिस्टेंस है दैट इज 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। अब देखिएगा कोएक्सियल का मतलब क्या है कि जो दोनों ये लूप्स हैं, दोनों ये लूप्स हैं थोड़ा टिल्ट करके दिखा रखे हैं, टेढ़े करके दिखा रखे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये जो दोनों लूप्स हैं ये दोनों लूप्स जो हैं वो एक ही सेम एक्सेस पर, मतलब इनके दोनों के सेंटर जो है वो एक ही स्ट्रेट लाइन से होकर गुजरते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बोलते हैं कि एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर, एक का रेडियस 4 सेंटीमीटर, दे आर प्लेस्ड एज शोन, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द लूप L2 सो दैट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O बी जीरो। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस वाले लूप की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो और इस वाले लूप की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, तो वो दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, वो जीरो हो जाए। तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कैसे करेंगे, हम ये कहेंगे बोथ मैग्नेटिक फील्ड्स बोथ मैग्नेटिक
फील्ड्स B1 and B2 कॉमा करके लिखिएगा, दैट इज ड्यू टू लूप L1 एंड लूप L2. सर एक्सिस परपेंडिकुलर है ना दोनों? एक्सिस दोनों के परपेंडिकुलर, ऐसा कुछ नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये बोला है कि दोनों सेम ही उस पर एक्सिस पर लाइन होगी. Due to loop L1 and L2 will cancel out each other. If there magnitudes are equal, if their magnitudes are equal, तो हम ये लिखेंगे भाई B1 is equal to B2. इस पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ, इस पॉइंट पर. तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट I1 करंट जो इसमें है I1 एन नंबर ऑफ टर्न्स तो मुझे दे देना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स तो N1 ही है. तो म्यू नॉट IA1 स्क्वायर अपॉन 2 R1 स्क्वायर, यानी कि इसका रेडियस ये R1 हो गया, R1 ये R1 है और ये जो डिस्टेंस है, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, ये A1 और ये जो डिस्टेंस है ये R1 है, ये R1 ये R2. इसमें कंफ्यूज मत होइए, रेडियस को R1 रेडियस नहीं, जस्ट जो डिस्टेंस निकाला जाता है ना, जिस पॉइंट तक हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उसको हम R लेते हैं, रेडियस को लेते हैं A. बट ये फॉर्मूला तो तब यूज कर सकते हैं ना जब हम एक्सिस में परपेंडिकुलर है हमारे पास. बनता तो उस पर रीजन क्या है, एक्चुअल में क्या है कि ये दोनों के दोनों टिल्टेड है, आप चाह रहे हो कि ये दोनों बिल्कुल सीधे हो जाए, ठीक है ये तो क्या है कि जब दोनों के दोनों ये टिल्टेड है तो एंगल का जो भी इफेक्ट इस पर आएगा वही इफेक्ट इस पर आएगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं. इसलिए हमने करा तो म्यू नॉट I1 A1 स्क्वायर अपॉन 2 R1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 A2 स्क्वायर अपॉन 2 R2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर की होल पावर 3/2. अब मैं म्यू नॉट को काट दो, 2 से 2 को काट दो, ठीक है. अब जो जो वैल्यूज हमारे पास है वो वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करिए. आज I1 की वैल्यू है 1 और A1 यानी कि इसका रेडियस ये कितना है 3 सेंटीमीटर. तो 3 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे, यानी कि 3/100 का होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में R1 यानी कि इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस जहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, तो R1 क्या है 4 सेंटीमीटर, मतलब 4/100 का स्क्वायर प्लस A1 कितना 3/100 का स्क्वायर और टोटल होल पावर कितनी हुई 3/2 इज इक्वल टू. हाँ जी I2 तो मुझे निकालना है, I2 into A2, ये A2 है इसका रेडियस, तो 4/100 का होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में, अब ये हमारे पास R2 है, तो R2 का स्क्वायर क्या हो गया 3/100 का होल स्क्वायर प्लस ये A2 है 4/100 का होल स्क्वायर और इसकी होल पावर 3/2. तो एक काम बड़ा बढ़िया हो गया हमारे लिए कि इसका भी डिनोमिनेटर और इसका भी डिनोमिनेटर पूरी तरह से सेम है, तो ये पूरा डिनोमिनेटर से ये पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया. उसके बाद देखिएगा क्या करना है, इसके बाद ये 1 तो है तो 1 तो लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, 3 का स्क्वायर यानी कि 9/100 स्क्वायर इज इक्वल टू I2 मल्टीप्लाइड बाय 4 का स्क्वायर इज 16/100 का स्क्वायर, 100 के स्क्वायर से 100 का स्क्वायर करके डिनोमिनेटर तो खत्म ही हो गया ना, तो मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, ये आ गया बस. यहां से I2 is equal to 9/16. I2 is equal to 9/16. अब होगा क्या,
ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कभी डिनोमिनेटर में टू की कोई भी पावर वाला टर्म, जैसे टू की पावर वन मतलब टू, टू की पावर टू मतलब फोर, टू की पावर थ्री मतलब एट, सिक्सटीन, थर्टी टू, सिक्सटी फोर, वो सारे टर्म जो है ऊपर वाले को पूरी तरह से डिवाइड कर देते हैं। वो कैसे होगा डिवाइड कर देते हैं, सिक्सटीन वन था सिक्सटीन, सिक्सटीन जीरो था जीरो, ठीक है, क्योंकि नाइन तो आता है सिक्सटीन में, तो फिर एक जीरो लगा दिया डेसिमल के बाद नाइनटी, तो सिक्सटीन सिक्स या नाइनटी सिक्स होता है, सिक्सटीन फाइव था एट्टी, तो नाइनटी माइनस एट्टी इज टेन, तो टेन के आगे जीरो लगाया हंड्रेड, सिक्सटीन सिक्स या नाइनटी सिक्स, हंड्रेड माइनस नाइनटी सिक्स इज फोर, फोर जीरो फोर्टी, सिक्सटीन टू सा थर्टी टू, फोर्टी माइनस थर्टी टू इज एट, एट जीरो एट्टी, सिक्सटीन फाइव सा एट्टी। आई टू की वैल्यू आ गई 0.5625, इसको अप्रॉक्सीमेट करके 0.56 एम्पीयर, ये आई टू की वैल्यू आ गई इस वाले लूप की। लेकिन इन्होंने क्या बोला था, ये तो मैग्नीट्यूड आया, इन्होंने कहा कि भैया आपको उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। भाई डायरेक्शन तो देखिए क्या है, इसमें मैक्सवेल का राइट हैंड, राइट हैंड का रूल, तो हमने क्या करा कि भैया करंट जो है, तो करंट घूम रहा है, तो करंट ऐसे गया और ऐसे आ रहा है, करंट मतलब बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये सही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, अच्छा तो वो कैंसिल आउट एक दूसरे को कब करेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ होगी, तभी दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो इसका मतलब जो मैग्नेट, जो इसका करंट का डायरेक्शन है वो ऐसे होगा, ये ऐसे जाता होगा और ऐसे जाता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ आई टू will be opposite to that of I1, will be opposite to that of I1, बताइए जी, क्लियर, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई, सभी को क्लियर है? यस सर, यस सर, ठीक है, कत्यायनी वत्सल क्लियर है? हाँ जी सर, हो गया, ठीक है, यस सर। चलिए जी, अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन कल देखते हैं, एम्पियर सर्किट लॉ, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कल की क्लास में करते हैं, ठीक है, आज इतना ही करते हैं। थैंक यू सर, ओके, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू सर, ओके, ओके जी, गुड नाइट।